हॉलीवुड की मशहूर मूवी आयरन मैन तो आप सबने ज़रूर देखी होगी, जिसमें टोनी स्टार्क यानी फिल्म का लीड हीरो एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम इन्वेंट करता है जो कि इतना ज़्यादा एडवांस था कि वो इंसानों की तरह अपने फैसले खुद कर सकता था। जी हाँ, मैं जार्विस की ही बात कर रहा हूँ। जार्विस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें जो सच में फिजिकली तौर पे तो एग्जिस्ट नहीं करता, पर सोचने और समझने की शक्ति इंसानों से हजारों गुना ज़्यादा होती है। और तो और, कैसे मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया गया है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम ह्यूमंस के कंट्रोल खोकर खुद को एक रोबोट के अंदर अपलोड करके इंसानों को ख़त्म करना चाहता है, पर ये तो एक साइंस फिक्शन मूवी ही है। अगर रियल लाइफ की बात करी जाए तो मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने हमेशा से बताते आए हैं कि टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। एलन मस्क ने 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तुलना में इतना स्मार्ट हो जाएंगे कि आने वाले वक्त में कुछ सालों के अंदर वो इंसानों को ओवरटेक तक कर देंगे। पर भले ही एलन मस्क ने प्रिडिक्शन कर दी हो, बड़े बड़े एक्सपर्ट इस फील्ड में ये मानते हैं ह्यूमैनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फिलहाल के लिए तो कोई खतरा नहीं है। पर चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी भी एडवांस हो जाए, पर अभी भी ये इंसानों का ही मोहताज है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेट उसी हिसाब से कर सकती है जिस हिसाब से इसे प्रोग्राम किया जाए। और शायद वो समय अभी काफ़ी दूर है कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बन जाए ताकि ये इंसानों को भी ओवरटेक कर सके। पर 2016 में कुछ हैरान कर देने वाली घटना हुई जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। फेसबुक ने 2016 में अपना AI प्रोग्राम शटडाउन कर दिया, क्योंकि रिसर्चर्स जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सालों से काम कर रहे थे, वो चैटबॉट ने अपनी खुद की लैंग्वेज डेवलप कर ली, उससे आपस में वो बात करने लगे। और जब रिसर्चर ने देखा कि चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी हैं, तो आखिरकार इस प्रोग्राम को बंद करना पड़ गया। लेकिन हाल ही में गूगल कंपनी ने लैम्डा नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार कर लिया है जो जार्विस की ही तरह सोच सकता है, डिस्कशन ले सकता है और हर सवाल का जवाब ह्यूमन लैंग्वेज में ही दे सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने एग्जिस्टेंस का भी एहसास है। ये वही फीलिंग है जो एक इंसान को मशीन और कंप्यूटर से अलग बनाती है। पर गूगल इस प्रोजेक्ट को दुनिया से छुपा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि गूगल ने एक जार्विस जैसा प्रोग्राम सच में बनाने में कामयाब हो चुका है? और क्या हम सच में आर्टिफिशियल रोबोट वर्सेस ह्यूमन के बीच बड़ी जंग के बहुत करीब हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की प्रिडिक्शन सच हो जाएगी। स्टीफन हॉकिंग के हिसाब से अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल्ली तरह से डेवलप हो जाए तो वो ह्यूमन रेस को तबाह तक कर सकते हैं। हाल ही में गूगल के एक साइंटिस्ट ब्लेक लिमोनी के एक कमेंट ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। उनके मुताबिक कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैम्डा पर काम कर रहे थे जो कि एक गूगल का प्रोजेक्ट है, और ये प्रोग्राम जिंदा हो गया और ये प्रोग्राम क्वेश्चंस पूछने लगा, और तो और इस प्रोग्राम को अपने एग्जिस्टेंस का भी एहसास हो गया कि मैं कौन हूँ, और वो भी तरह तरह के सवाल पूछने लगा। लेकिन गूगल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उनके एम्प्लॉय ने इतना ज़्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में आम जनता तक पता चल गया, तो गूगल ने उस एम्प्लॉय को छुट्टी पे भेज दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये डेटाबेस में पहले से मौजूद कुछ एग्जांपल्स या सैंपल डिसीजन जो उनके प्रोग्राम में फीड किए जाते हैं, उनके हिसाब से अपने न्यू डिसीजन ले सके। इंसानों की बनाई कई एप्लीकेशन में पहले से ही इनका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे अमेज़ॉन की एलेक्सा
और एप्पल की सीरी भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जाम्पल है। और ये प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं बेसिस पे डिसीजन दे सकते हैं जो डेटा इंसानों द्वारा इन प्रोग्राम में अपलोड किया गया हो। गूगल का प्रोग्राम लैम्डा भी इसी तरह एक चैटबॉट प्रोग्राम है और ये उन्हीं चीज़ों का जवाब दे सकता है जिन चीज़ों का डेटा इसमें अपलोड किया जाए। इसीलिए सोफिया द रोबोट, जिसे हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया था और उसने दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की एक इंटरव्यू में धमकी दी थी, पर बाद में ये पता चला कि इस रोबोट को ये सब बोलने के लिए फीड किया गया था ताकि इसकी हाइप दुनिया भर में बनाई जा सके। इसी तरह कुछ दिन पहले डाल ई नाम के एक आर्टिफिशियल इमेज जनरेटर को हाइप मिली थी जब उसने लास्ट सेल्फी ऑन अर्थ नाम की फोटो जनरेट करी। देखिए, इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो प्रोग्राम कर सकते हैं, पर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को बनाए ये नामुमकिन है। और अगर फ्यूचर में कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम सच में इंसानों से ज़्यादा एडवांस और काबिल हो गए तो शायद सच में दोनों में से एक ही इस दुनिया पर ज़िंदा बचेगा। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो गूगल भी इस लैम्डा प्रोग्राम की हाइप क्रिएट करके सिर्फ इसे फेमस करना चाहता है और ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक या मार्केटिंग स्टंट है गूगल की तरफ से। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं और फिर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।